वांगचो ट्राइब बहुत ही मेहनती है और बहुत ही ऑनेस्ट, ईमानदार, हार्ड वर्किंग भी है। सबकी ओर से आप सबको उड़िया फेस्टिवल का बहुत बहुत एक बार फिर दोबारा शुभकामनाएं। Bamboo climbing competition are the winners of the inter-village indigenous sports competition organized by Wancho Cultural Society in collaboration with the battalion Assam Rifle Long Day. वांगचो ट्राइब बहुत ही मेहनती है और बहुत ही ऑनेस्ट, ईमानदार, हार्ड वर्किंग भी है, तो इसलिए अभी एजुकेशन को हम लोग ट्रांसफॉर्म करना बहुत जरूरी है। एजुकेशन के क्षेत्र में आज एजुकेशन मिनिस्टर भी यहाँ आए हुए हैं। टाइम का पाबंदी के कारण से वो यहाँ पे अपने स्पीच बोल नहीं पाया, मगर एजुकेशन इज आवर टॉप प्रायोरिटी। एजुकेशन में अभी बहुत सारा रिफॉर्म्स हम लोग लेके आ रहा है। जितनी भी जो हम लोग स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर जो पुराना हो चुका है उसको हम लोग फेजिंग करके उसको हम लोग नया इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग लेके जा रहा है। हार्डवेयर पार्ट तो ठीक है, पैसा दे के हम लोग सिविल कॉम्पोनेंट तो ठीक हो जाएगा, मगर जो मेन जो पार्ट है, जो मेन कोर इश्यू जो है, क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ पैसा से ठीक नहीं होगा। क्वालिटी एजुकेशन ठीक करना है तो केवल टीचर अकेला से भी ठीक नहीं होगा, उसके लिए अपना पेरेंट्स और समाज आप लोगों को जुड़ना बहुत ही जरूरी है। तो इस उड़िया फेस्टिवल के ओकेजन पर मैं जितने भी यहाँ के जो पेरेंट्स हैं और समाज है आपको ये निवेदन करूंगा कि आप लोग का एजुकेशन में ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्चुअली बोलने के लिए तो बहुत लंबा है मगर मैं ज्यादा लंबा बोलना नहीं चाहता हूँ। एक और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि खास करके आजकल देखिए कि डेवलपमेंट के साथ साथ बड़ा बड़ा चैलेंजेस भी आता है, बड़ा बड़ा नेगेटिविटी भी आता है। उस नेगेटिविटी में अगर देखा जाए जो अनफॉर्चुनेट जो ड्रग्स कल्चर, वो हमारा स्टेट का सबसे बड़ा देशक है। मैं तो ये बोलता हूं कि ड्रग्स कल्चर इज मोर टेरिफाइंग देन द अंडरग्राउंड टेररिस्ट। हमारा समाज का फ्यूचर और अरुणाचल का फ्यूचर ये ड्रग्स खत्म कर रहा है। इसलिए आपका यहाँ के अपना वांगचो काउंसिल और जितने भी जो हमारा एनजीओ है, जो यूथ विंग है, आप सब लोग इस ड्रग्स कल्चर को कैसे खत्म किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, इस दिशा में आप लोग काम कीजिएगा। सरकार पूरा आप लोगों का साथ देगा। हमारा डीसी साहब यहाँ पे उपस्थित है, हमारा चीफ सेक्रेटरी है, हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ और राज्य सरकार आप लोगों का पूरा सहयोग आप लोगों को देंगे। इस ड्रग्स कल्चर को हम लोगों को बंद करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। और बाकी जो भी चर्चा करना है अपना होनचुंग गंडम साहब है, अपना गैब्रियल जी है, तनफो जी है, तीनों बहुत अच्छा से यहाँ पे मेहनत कर रहा है इस डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो जो भी मदद अपनी ओर से हम दे पाएंगे हम जरूर आप लोगों को देंगे। तो इतना कहते हुए मैं अपनी ओर से और हमारा साथ ईटानगर से जितने भी जो टीम आए हैं सबकी ओर से आप सबको उड़िया फेस्टिवल का बहुत बहुत एक बार फिर दोबारा शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग ने यहाँ बुला। और ये जो बीच है ना, ये बीच वर्क ये तो कुछ नहीं है, इससे सुंदर जो वांचू लोगों का है मैं दिखा दूंगा। मेरा पास कलेक्शन है, मैं कलेक्शन कर रहा हूँ एक एक करके। इतना सुंदर है आप लोगों का, आपका कप में मार्क में इतना सुंदर बीट वर्क करके मार्क बनाता है। ये वुड क्राफ्ट को प्रिजर्व करके रखना है, इसको मार्केटिंग करना है, इसको प्रमोट करना है। हमारा जितना भी हैंडलूम है हैंडिक्राफ कैसा प्रमोट करेगा, हम जीआई रजिस्ट्रेशन करेगा तो दुनिया का मालूम होगा। अभी हम
ये मोनपा का हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट भी कर रहा है और हमारा जो याक का जो प्रोडक्ट है उसको भी हम जीआई रजिस्ट्रेशन कर रहा है। उसी तरह हम आदि का जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट है, मिसमी का, ईडू का हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट हो गया है, तो खमटी का जो खौते बोलता है जो चावल है उसका ऊपर भी हम लोग जीआई रजिस्ट्रेशन कर रहा है। इस तरह का सरकार का तरफ से पूरा का पूरा हमारा जो प्रोडक्ट है, जो इंजीनियर प्रोडक्ट है, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको मार्केटिंग करने के लिए पूरा का पूरा कोशिश है। आपका वांगसू को पहचान पेमा खांडू और सोनामेन साहब के सरकार में, नरेंद्र मोदी जी के सरकार में वांगसू का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो आपको दिया है, नोक्ते को दिया है, तंगसा को दिया है और वांगसू को दिया है, ये राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पेमा खांडू जी के नेतृत्व में और नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में आपका पहचान आज पहली बार आप उड़िया फेस्टिवल में दिल खुल के वांगसू को आगे ले जाइए। अभी अभी दिखाई दिया वांगसू में एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, यहाँ साइंटिस्ट बनने लगे, फिल्म मेकर्स है और मैं आप सबको यही कहूंगा, धर्म कोई भी हो, क्रिश्चियन भी हो सकता है आप, मुस्लिम भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, लेकिन आपका पहचान वांगसू है। कल्चर एंड रिलीजन को कभी भी मिक्स नहीं करना है। ये जो अपना माता में जो ये हॉर्नबिल के पीटर्स लगा के इतना ताकतवर अब अपना पहचान बरकरार रखिए। इतिहास में वांगसू एक वॉरियर था, उस वॉरियर का बेटा है आप, उस वॉरियर का बेटी है आप, तो इसलिए इस कल्चर को मिटने नहीं देना है। धर्म कोई भी हो, लेकिन इस उड़िया फेस्टिवल में आज कानूबारी में भी उड़ीसा पे उड़िया फेस्टिवल मना रहा है, पंक्सो में भी मना रहा है, वाका में भी मना रहा है, तीन दिन यही आप सेलिब्रेट करेंगे, इसी में ही आपको यूनिटी मिलेगा, इसी में ही आपको एकता का ताकत मिलेगा। एजुकेशन सेक्टर को देखा जाए तो लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट में कोई भी स्कूल में टीचर, सब्जेक्ट टीचर अवेलेबल नहीं है सर, मैं जानना चाहूँगा सर। मैं यहाँ आने से पहले मैं कल ही अपना एजुकेशन मिनिस्टर और कमिश्नर एजुकेशन से मेरा मीटिंग किया था। अभी आने वाला सेशन में मैंने कहा है कि अगर ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए उनका सॉफ्टवेयर रेडी नहीं होने से भी मैन्युअली जिसका टेन्योर हो गया और जहाँ जहाँ शॉर्टेज है, खास करके दूर दराज जगह में जहाँ शॉर्टेज है और जहाँ एक्सेस है वहाँ से निकल के पोस्टिंग करने के लिए मैंने ऑलरेडी निर्देश दिया हुआ है। इसके अलावा फिर चीफ मिनिस्टर्स अपना शिक्षा का जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम जो हमने चलाया है उसका अंतर्गत भी हम लोग ने प्रोविजन रखा है कि कंसर्न DDSC और DC सब्जेक्ट टीचर्स नहीं होने से वहाँ से भी हम लोग हायर कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि नया सेशन में टीचर्स का शॉर्टेज मेरा हिसाब से नहीं होना चाहिए। सर एक चीज़ है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यहाँ में काफ़ी प्रॉब्लम होता था, लेकिन वो प्रॉब्लम जो चाहिए था वो आपने दिया है, आज जो एलिब्रेशन किया है और उसमें फ्यूचर में क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी मेडिकल में? देखिए अभी आज मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने उद्घाटन कर दिया और मैंने DMO साहब से भी चर्चा हुआ है और यहाँ का लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट का DMO साहब बहुत अच्छा काम कर रहा है और अभी उनके पास में हमें कहा गया है कि हेडक्वार्टर में 12 डॉक्टर हैं, तो आने वाला दिनों में हॉस्पिटल को स्ट्रेंथनिंग करना मैन पावर वाइज एंड इक्विपमेंट वाइज ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अप्रूव करके रिक्रूटमेंट भी हो चुका है और मटेरियल जो है इक्विपमेंट भी हम लोग ने ले चुका है। आने वाला दिनों में हम लोग आज जो उद्घाटन हुआ है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसको हम लोग एक्टिवेट कर देंगे। जी सर, और लॉन्गडिंग हेडक्वार्टर में वाटर रिसोर्सेज का काफ़ी प्रॉब्लम वो मैंने ऑब्वियसली ये बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है, मैंने आज अपना पब्लिक स्पीच में भी इसको एड्रेस किया और मैं वापस जाके तुरंत इस प्रोजेक्ट को लेके मैं रिव्यू मीटिंग बैठ के एडिशनल कुछ फंड्स चाहिए और भी हमने डाल के और मैंने आज वादा किया है कि इस प्रोजेक्ट को उद्घाटन के लिए मैं दोबारा फिर लॉन्गडिंग हेडक्वार्टर में हम आएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू आपका आपका मीडिया को कि आपने हमको थोड़ा सा मौका मिला कि हम मेरा व्यू आपका वांचोन को ऐसे होल स्टेट को बोलने मिल रहा है। इस बार का और यह का मैं हम एक प्रेसिडेंट हैं इस बार का,
2022 ओरिया में हमको प्रेसिडेंट चूज किया है हमारा WCS ने एक भरोसा के साथ में, तो उसके लिए हमने जितना हो सके मेरा बेस्ट ट्राई किया, तो सक्सेसफुली हो गया है अभी। तो जस्ट अभी प्रोग्राम ख़त्म हुआ है और मैं अपना सबको वांचनू को और ऐसे होल स्टेट को मुंबई ओरिया बोलना चाहता हूँ, मुंबई ओरिया, और नेक्स्ट ईयर भी हम ऐसे ही करते रहेगा, ऐसे मनाते रहेगा सेलिब्रेशन। एंड हम अपना दिल से अपना फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट हम मेरा MLA साहब, मिनिस्टर यहाँ का लोकल, एंड DC पुलिस, आर्मी पर्सनल, असम राइफल, एवरी HODs, पंचायत लीडर्स, राजा गांगपुरा, एवरी लीडर्स फ्रॉम वेरियस विलेजेस, हम उनको बहुत थैंक्स बोलना चाहता है कि उसने हमको इतना सपोर्ट किया, इतना हमको हर चीज़ में, एवरी मोमेंट में, एवरी स्टेप में उन्होंने हमको एडवाइस दिया, सजेशन दिया, उनको हम बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और हम स्पेशल थैंक्स हमारा WCS, उसने एवरी चीज़ में हमको सजेशन दिया, एंड AWWS वांचो वोमेन वेलफेयर सोसाइटी को बहुत खुशी लगा, उसने पूरा नाम मेरा है बट काम उसने किया है, तो इसलिए हम वो लोग को बहुत थैंक्स देना चाहता हूँ। एंड लास्टली हम अपना उससे भी हमारे स्पेशल थैंक्स हमारा CM सर, आज का चीफ गेस्ट, एंड DCM गेस्ट ऑफ ऑनर, एंड डिग्नेटरीज जितना भी उसका साथ आया है ईटानगर टीम से, वो लोग को भी बहुत थैंक्स। हम आपका ये ब्लेसिंग को हम वांचनू कभी नहीं भूलेगा, ये मेरा एक्सपेक्ट है, हम वांचनू आपको बहुत थैंक्स करता है।